जिले खासतौर से जींद के विधानसभा में देखे तो हरियाणा में 90 हलकों में एक हलका अगर सरकार की उपेक्षा और विकास के नाम पर जीरो काम का शिकार है तो वो जींद का विधानसभा क्षेत्र है। और इसीलिए ना केवल जींद में पूरे हरियाणा में बदलाव का समय आ गया है। बुजुर्गों साथियों, दूसरी पार्टी के उम्मीदवार ये कहते हैं कि वो बदला लेने आए हैं जींद में। माफ कीजिए, जींद की ऐतिहासिक धरती से बदला लेने का तो आपका पुराना इतिहास है। कंडेले की धरती जो आपके दादा और आपके पिता के द्वारा चलाई गोलियों का शिकार है, कंडेले के शहीदों का वो खून जो आज भी धूमिल थोड़ा सा जरूर हो गया परंतु घाव की तरह आज भी हमारे मन और आत्मा में अंकित है। नरवाड़ा की वो धरती जहां आपके दादा और पिता ने गोलियां चलाकर साधारण व्यक्तियों को चुनाव में आहत किया था, ये सारा का सारा जींद जिला उसी परिवार के बदले का भोजन और शिकार रहा। क्या ये सही नहीं कि ये दोनों पार्टियां वही हैं जब ये सत्ता में थी? जब ये सत्ता में थी तो समस्त हरियाणा जब जींद में होता था तो जींद के दुकानदार, रेड़ी वाले, साधारण व्यक्ति अपनी दुकानें बंद करके रेड़ियां लेकर भाग जाया करते थे क्योंकि गुंडे उन रेड़ियों को लूट लेंगे। क्या ये सही नहीं बुजुर्गों साथियों? क्या ये सही नहीं कि जब लोकदल की सरकारें थी, जब इनके दादा और पिता का शासन था तो जौन सा मकान ठीक दिख जाता उस मकान की रजिस्ट्री अपने नाम करवा लिया करते थे, जिसकी फैक्ट्री ठीक दिख जाती उसकी फैक्ट्री अपने नाम करवा लिया करते थे, जिस दुकानदार ने सोने की ईंटों की दांत घिसाई नहीं दी, जैसा एक हमारे व्यापारी साथी परमानंद गोयल का केस था, तो दूसरी सोने की ईंट मंगवाई ये कह करके तेरी ईंट के अंदर खोट है। ये वो धरती है। पार्टियों के उन दोनों उम्मीदवारों को मालूम होना चाहिए, जब वो कहते हैं कि वो बदला लेने आए हैं तो हम जानते हैं कि आप बदला लेने आए हैं और आपको बैरंग हम लौटाने के लिए आए हैं। बुजुर्गों साथियों, मंडी के मेरे दुकानदार भाइयों, मैं केवल एक बात आपको कहता हूं, हम बदला लेने की राजनीति नहीं, हम जींद के विकास और तरक्की की राजनीति की शुरुआत करेंगे। कभी आपके दादा समस्त हरियाणा सम्मेलन जींद में करते, कभी आप समस्त हरियाणा सम्मेलन जींद के अंदर करते, प्रोफेसर साहब तो कल निकले। परंतु सवाल पूछने का समय आया है 52 साल के बाद के लोकदल की राजनीति से जींद जिले को क्या हासिल हुआ? क्या जींद के किसान को बहदूदी मिली? क्या जींद के नौजवान को रोजगार और रोटी मिली? क्या जींद के दुकानदार को सुरक्षा मिली? क्या जींद के दलित और पिछड़े हमारे भाइयों को तरक्की का अवसर मिला? सच्चाई ये है कि इन दोनों पार्टियों ने जो आज अलग अलग हो गई हैं और भारतीय जनता पार्टी की भी टीम है, केवल और केवल आपको, आपके परिवार को, आपके बच्चों को, उनको लूटने का काम किया। और जब जब उन्हें मौका मिला हमारी धरती को पुलिस की लाठियों से, घोड़े की टापों से लाल बना दिया। यही इतिहास इनका रोहतक और महम के अंदर है। जो हमारे पड़ोस में है आनंद सिंह डांगी जी भी आए हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं।
हेलो, और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ एक ऐसी सरकार है 4.5 साल से खट्टर साहब की, जिन्होंने दोनों हाथों से हरियाणा प्रांत के भविष्य को लूट डाला है। किसान की बात करें तो किसान को आत्महत्या की जोड़ी पर पहुंचाने के लिए, उसकी दयनीय हालत के लिए कोई जिम्मेवार है तो वो खट्टर सरकार है। नौजवान की बात करें तो दिन दहाड़े नौकरियों की बोली लगवाने के लिए एसएस बोर्ड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के माध्यम से रुपया पैसा लेकर नौकरियां लूटने के लिए, बच्चों को दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर करने के लिए अगर कोई जिम्मेवार है तो वो खट्टर सरकार है। अगर हमारे दलित भाइयों की बात करें, पिछड़ा वर्ग के हमारे भाइयों की बात करें तो उनके अधिकार छीनने वाली कोई सरकार है तो वो खट्टर सरकार है। अगर मैं मेरे व्यापारी भाइयों की बात करूं, दुकानदार भाइयों की बात करूं तो गब्बर सिंह टैक्स लगाकर उनकी रोजी रोटी छीनने वाली कोई सरकार है तो वो भी खट्टर सरकार है। अगर मैं मेरे कर्मचारी भाइयों की बात करूं तो कर्मचारियों को डंडे से सड़कों पर पिटवाने वाली कोई सरकार है तो वो भी खट्टर सरकार है। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं खट्टर साहब, समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं जिन्हें खट्टर सरकार ने ठगा नहीं, कोई ऐसा सगा नहीं जिसे खट्टर सरकार ने ठगा नहीं। और इसलिए बुजुर्गों, साथियों, नौजवान भाइयों, आज मिट्टी का कर्ज दोबारा चुकाने के लिए आपका अजीज आपके बीच भारतीय जनता पार्टी, लोकदल और जेजेपी, वो तोड़ेंगे हम बनाएंगे, वो मिटाएंगे हम संवारेंगे, वो बदला लेंगे हम विकास करेंगे। मैं आपको एक बात का वचन और वादा करके आज जाता हूं, उपचुनाव कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इस उपचुनाव के 90 दिन के अंदर हरियाणा की विधानसभा का चुनाव होगा। ये लिख कर ले लीजिए, मई 2019 में हरियाणा की विधानसभा का चुनाव खट्टर साहब को करवाना पड़ेगा, मजबूर कर देंगे। 90 दिन के बाद 9 सीट खट्टर साहब की आने वाली नहीं, वो कब संभव होगा। रणदीप महत्वपूर्ण नहीं, रणदीप तो एक व्यक्ति का नाम, कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्ता का नाम। शायद हम सब जो यहां खड़े, हम सबसे बड़े वो हैं जो हमारे सामने खड़े। मैं आज आपको एक बात कहकर जाता हूं, क्या आप नहीं चाहते कि जींद का विकास और प्रगति उसी प्रकार से हो जैसे गुड़गावा, सोनीपत, रोहतक, कैथल, जींद और दूसरा जो हमारा इलाका है जींद, उसी श्रेणी में आकर खड़ा हो जाए, हिसार, सरसा, भिवानी उसी प्रकार आगे बढ़े? क्या हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों को रोजगार और रोटी के वो सारे साधन मिले, उद्योग और धंधे के वो सारे साधन मिले जो हरियाणा के सबसे बेहतरीन हिस्सों के अंदर उपलब्ध हैं? क्या हम नहीं चाहते कि हमारा गरीब, हमारा पिछड़े वर्ग के हमारे भाई, 36 बिरादरी के हमारे भाई तरक्की करें? खट्टर साहब ने 4.5 साल में 4 बार हरियाणा जलवाया और उस हरियाणा जलवाने के अंदर दोनों लोकदल की पार्टियां शामिल हुई। इसलिए बुजुर्गों, साथियों, नौजवान दोस्तों, ये चुनाव कांग्रेस के लिए नहीं, ये चुनाव चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए नहीं, ये चुनाव किरण चौधरी जी और अशोक कंवर जी के लिए नहीं, ये चुनाव कैप्टन अजय यादव या कुलदीप शर्मा जी के लिए नहीं, ये चुनाव इस मंच पर खड़े कांग्रेस के नेताओं के लिए नहीं, ये चुनाव इस इलाके के भविष्य का चुनाव है। निर्णय आपको करना है,
निर्णय आपको करना है, आप उनको चुनना चाहते हैं जो केवल बदला लेने की राजनीति करने आए हैं, आप उनको चुनना चाहते हैं जो केवल 36 बिरादरी के एक को तोड़ने की राजनीति करने आए, आप उनको चुनना चाहते हैं जो केवल हरियाणा को जलवाने की राजनीति करने आए हैं, या आप उनको चुनना चाहते हैं जो आपके घर के सीरी बनकर, आपके अजीज बनकर, जिसकी रगों में आपका लहू दौड़ता है, आपकी सेवा, विकास और तरक्की करने आए। और अगर ऐसा आप मानते हैं तो मेरी बात को हुड्डा साहब बोलेंगे अभी, मेरी बात को समाप्त करने से पहले केवल एक बात कहूंगा, बुजुर्गों, साथियों, दोस्तों, ये चुनाव अकेला कांग्रेस और रणदीप के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ये चुनाव आपके बेटे और बेटियों के भविष्य का चुनाव है, ये जींद जिले की अमन और शांति का चुनाव है, ये जींद जिले के विकास और प्रगति का चुनाव है। मैं इसलिए कहता हूं कि मैंने करके दिखाया विकास और तरक्की का वो मॉडल जो नरवाना और कैथल में बनाया, मैं आपको कह सकता हूं उससे बेहतर मॉडल जींद में आपको बनाया। माटी का जो कर्ज मेरे ऊपर है, शायद अगर मैं मेरी चमड़ी भी उतार के आपको दूं तो वो कर्ज मैं चुका नहीं सकता। और इसीलिए जब कांग्रेस अध्यक्ष जी ने और आप सब ने मुझे हुक्म दिया तो मैंने निर्णय किया कि ठीक है, मैं इस आज भी विधायक हूं, परंतु माटी के इस एक कर्ज को मैं जरूर चुका कर जाऊंगा। और इसलिए मैं आपको हाथ जोड़कर एक बात कहने आया हूं, दिन 16-17 मुश्किल से बचे, आप सबको जहां जहां रिश्तेदारी है, दोस्ती है, जो जिस मोहल्ले से, गांव से मेरे भाई बुजुर्ग नौजवान आए, हमको अपने अपने मोहल्ले, अपने अपने वार्ड, अपने अपने बूथ के ऊपर बैठ जाइए, एक एक घर में जाकर, एक एक घर में जाकर झोली फैलाकर जींद की तरक्की के लिए, जींद के भविष्य के लिए, जींद के किसान मजदूर के लिए, जींद के गरीब के लिए, जींद के नौजवान के लिए, और जींद के इतिहास को नए सिरे से दोबारा से लिखने के लिए कांग्रेस पार्टी के समर्थन में, आपके भाई के समर्थन में इतना बहुमत जुटा दीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में एक तरफ मोदी जी और एक तरफ खट्टर साहब, दोनों को पता चल जाए कि हरियाणा के केंद्र, हरियाणा का इतिहास के रचयिता, हरियाणा का इतिहास रचने वाले जींद ने करवट ली है, अब दिल्ली से मोदी जी का और चंडीगढ़ से खट्टर साहब का चलता होने का समय आ गया। आप सब ने बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत देर से बैठे हैं, लंबी बात फिर करूंगा, आप जब हर वार्ड में, हर गांव के अंदर जलसा करेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।